future. आपने मुझे कल क्यों नहीं बुला लिया? यूं अकेले ही परेशान होते रहे? बात परेशानी की नहीं है सालानी, एक बाप का फर्ज होता है जिसमें भूल चूक हो जाती, कभी औलाद मुखालिफ सिमत में अगर खड़ी हो जाए तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी ख्वाहिश सही है। ख्वाहिश तो उम्मीद होती है ना आलम साहब, और उम्मीद से बड़ी कोई इबादत नहीं। इबादत में क्या फैसला करना कि क्या सही और क्या गलत। आप सवेरा बाजी और जमील भाई से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि ये बातें तो किस्मत की होती हैं। और फिर जैदी साहब ने तो आपसे पहले ही बात की थी ना। खुदा करे मेरा समझाया उसकी समझ में आ जाए। एक बात बताऊं आपको आलम साहब, जब कोई चीज मेरे दस्तरस में नहीं होती ना, उस समय दुआ में मांग लेता हूं। अगर मिल जाती है तो समझ जाता हूं कि कहीं दूर बैठा खुदा मेरी भी सुन रहा है, और अगर दुआ से भी ना मिले तो समझ जाता हूं कि इसमें भी खुदा की कोई मसलियत होगी। तुम्हारे माँ बाप की यकीनन कोई नेकी हुई जिसके बदले तुम जैसी औलाद मिली। Oh, my God.